हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, जब आप कंसीव करते हैं तो तभी से आपके अंदर एक नन्ही सी जान जन्म ले लेती है, लेकिन आपको उसकी फीलिंग यानी उसका एहसास तब होता है जब वो हलचल करना शुरू कर देता है। गर्भ में जब शिशु हलचल करता है तो आपको पता रहता है कि बेबी ठीक है, पर कभी कभी बेबी की हलचल जो है या तो बहुत कम महसूस होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जब आपको गर्भ में बेबी की हलचल महसूस नहीं हो रही होती है या बहुत कम होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेग्नेंट होने के 4 से 5 महीने के बाद आपको बेबी की जो मूवमेंट्स हैं वो फील होनी शुरू हो सकती हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं वो दिन में कई बार और ज़्यादातर उस समय फील होती हैं जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं, यानी कि जब आप आराम कर रही होती हैं। जब आप किसी काम में बिज़ी होती हैं तो आपको अपने बेबी की मूवमेंट्स का इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करें कि आपका बेबी कितनी बार घूम रहा है, क्योंकि इससे ये आपके शिशु के ठीक होने का पता चलता रहता है, यानी कि आपका बेबी सही है ये इससे आपको पता चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बेबी की हलचल या मूवमेंट जो है वो महसूस ना हो या बहुत ही कम हो, तो ऐसे कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन रीजंस की वजह से, किन कारणों की वजह से आपको गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती। फर्स्ट, कि आपके शिशु का हलचल ना करने का या कम करने का कारण हो सकता है कि उस तक एक प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, यानी जितनी ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट, अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं तो आपके बच्चे तक जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। बच्चे के कमज़ोर होने के कारण उसकी हलचल में कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो नॉर्मल से कम बन रही होती है तो आपके बच्चे की हलचल जो है कम हो सकती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चे को घूमने में उससे मदद मिलती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के टाइम में आपके शरीर में ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है या आपका वेट ज़्यादा ही हो गया है तो इससे भी आपके बच्चे की जो हलचल है वो आपको कम महसूस हो सकती है। इन सब के अलावा बच्चे की हलचल कम होने का जो कारण हो सकता है वो होता है शिशु के दिमाग का सही से विकास ना होना या फिर प्लेसेंटा का सही से विकसित ना होना। तो ये भी कारण होते हैं जिनसे कभी कभी बच्चा कम मूवमेंट्स करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रेगनेंसी के टाइम पर अचानक से ही जो है बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है तो आपको एकदम से नहीं घबराना है और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि वो बातें क्या हैं। पहली चीज़ कि अगर आपने बहुत टाइम से, मतलब आपको कुछ टाइम हो गया और आपने कुछ खाया नहीं है या फिर आप भूखी हैं, तो आप पहले थोड़ा खाना खा ले, हो सकता है कि आपको इस वजह से भी बेबी की हलचल महसूस कम हो रही हो। अगर आपको कुछ टाइम से बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है तो कुछ देर शांत होकर आप एक तरफ करवट लेकर लेट जाएं और कोशिश करें कि करवट जो है आप लेफ़्ट साइड लें। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बच्चा ज़्यादा हलचल करता है। अगर आपको बेबी की हलचल जो है कम महसूस हो रही है तो आप उस समय जो है कुछ मीठा या ठंडा खा सकती हैं या पी सकती हैं, हो सकता है कि इससे आपके बेबी की हलचल आपको फील हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से ट्रैवल कर रहे हो और किसी काम में बिज़ी हो तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके बच्चे की हलचल जो आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और कुछ देर तक अपने बेबी की मूवमेंट्स को चेक कीजिए। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही में आप नारियल पानी ज़रूर पीजिए, साथ में जो है हेल्दी और मिनरल्स और विटामिन से भरपूर जो भी डाइट है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे इम्यूनिटिक फ्लूड की मात्रा जो है वो बढ़ती है और जब इम्यूनिटिक फ्लूड की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चे की हलचल जो है आपको अच्छे से फील होगी। और फ्रेंड्स, कभी कभी ग्लूकोज यानी शुगर की बॉडी में जब कमी हो जाती है तो उस वजह से भी बच्चे की हलचल जो है कम हो सकती है, तो इसीलिए अपने शरीर में आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, गर्भ में शिशु की हलचल उसकी सही ग्रोथ और हेल्थ को बताती है, इसीलिए अपने शिशु की हलचल को आपको चेक करते रहना चाहिए कि बेबी जो है कितनी मूवमेंट्स कर रहा है। बेबी की हलचल आखिरी महीने में गर्भ में जगह ना बन पाने के कारण जो है पहले से थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बेबी जो है काफ़ी ग्रो हो जाता है, बच्चे का वेट भी बढ़ जाता है, तो एंड के मंथ्स में मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको 20 से 40 मिनट तक बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है या बेबी दिन भर में पहले से कम हिल डुल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग यानी डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट बोले वो ज़रूरी टेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अपने बेबी के मूवमेंट्स को आपको चेक करते रहना है और कोई भी प्रॉब्लम लगे, मूवमेंट्स फील ना हो, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।